रहस्यमय तरीके से लापता हुए परिवार के मामले में पुलिस ने चौंका देने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि बीमा पॉलिसी के 72 लाख रुपए हासिल करने के लिए एक शख्स ने पूरे परिवार के मौत की साजिश रची, क्योंकि उस पर 25 लाख रुपए का कर्ज था। पुलिस ने पूरे परिवार को ढूंढ निकाला और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पंखाचूर के रहने वाले समीरन सिकदार को कारोबार में काफी नुकसान हुआ था और वह पूरी तरह से कर्ज में डूब गया था। इस परेशानी से निकलने के लिए उसने एक तरकीब लगाई और बीते 1 मार्च को कांकेर में अपनी नई कार में आग लगा दी और हादसे में अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को मृत साबित करने के लिए 13 दिनों तक परिवार के साथ लापता हो गया और पुलिस की कार्रवाई पर नजर रखता रहा। 2 मार्च को अपने परिवार के साथ धमतरी शहर के एक लॉन्ज में रूम लिया और 1 दिन तक वहीं रहा। इस दौरान कांकेर पुलिस को सूचना मिली कि लापता हुए इन 4 लोगों को लॉन्ज में देखा गया है, जिसके बाद पुलिस की टीम लगातार इस लापता हुए परिवार की खोजबीन में लगी हुई थी। लेकिन आरोपी समीरन सिकदार अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर पश्चिम बंगाल और बिहार चला गया। अपने मोबाइल फोन को घटना स्थल पर फेंक कर 13 दिन तक वह पुलिस को गुमराह कर दोनों जगह घूमता रहा। समीरन सिकदार को ढूंढने के लिए पुलिस ने 9 लाख से भी ज्यादा मोबाइल नंबर और 1000 से भी अधिक सीसीटीवी फुटेज निकाले। जब समीरन को बात पता चली कि पुलिस उसे जीवित मानकर ढूंढ रही है तो वह घर आ गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह पोएट्री फॉर्म का कारोबार करता है। उसने बीमे के 72 लाख रुपए की रकम लेने के लिए यह खेल खेला था, क्योंकि उस पर 25 लाख रुपए का कर्ज था। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।